धरने वाले पार्षदों की आज सुबह से भूख हड़ताल शुरू हो गई है। वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद महेंद्र कालरा उर्फ काली व 3 नंबर के पार्षद प्रतिनिधि निर्मल जी पाटीदार आज से भूख हड़ताल पर है। 4 दिन से धरने पर बैठे ये दोनों पार्षद अपने वार्ड में विकास कार्यों को लेकर धरने पर थे और आज इनकी मांग है कि नगर पालिका सीओमो हमें लिख कर दे कि वह हमारे मोहल्ले में एक महीने में कार्य करा देंगे तो हम भूख हड़ताल व धरना छोड़ देंगे। वैसे ठेकेदार और नगर पालिका ने अपना काम शुरू कर दिया है। सोचने वाली बात है कि ठेकेदार द्वारा अतिक्रमण तोड़ा नहीं गया, नगर पालिका की जैसी भी सामग्री लगकर वहां हाबड़तोड़ अतिक्रमण तोड़ दिया गया। नाले का काम ठेकेदार द्वारा शुरू हो गया है, पर जब काम शुरू हो ही गया है तो क्यों सीओमओ साहब लिख कर नहीं दे रहे हैं और क्यों इतनी देर हो रही है इनके धरना और भूख हड़ताल को खत्म करने। हमने जब सीओमओ साहब से बोला कि आप लिख कर दे दीजिए तो उनने आनाकानी कर दी, वह वहां से चले गए। श्यामगढ़ नगर महालोगों का नगर है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वह बोलना नहीं चाहते और जो बोलना चाहते हैं उन्हें रहने नहीं दिया जाता। वार्ड क्रमांक 5 में एक स्कूल है, अल्फा इंग्लिश स्कूल। उसके मेन गेट के सामने एक गड्ढा है। विगत 6 माह से यह गड्ढा अपने यथा स्थिति में है। इसे ना बंद किया जा रहा है ना इसे ढका जा रहा है। 2-4 बार दुर्घटना हो चुकी है लेकिन फिर भी ना स्कूल प्रशासन सुनता है और ना ही नगर पालिका। स्कूल प्रशासन कहता है कि नगर पालिका की गलती है और नगर पालिका कहती है कि स्कूल प्रशासन की गलती है। अब यह गलती किसकी है यह तो भगवान ही जाने। ऐसा एक गड्ढा डिंपल चौराहे पर भी है जो भी दुर्घटना का कारण बना हुआ है। आए दिन यहां पर भी दुर्घटना होती रहती है, पर ये गड्ढे ना तो प्रशासन को दिखाई देते हैं और ना ही नगर के सेवकों को और ना ही उन पत्रकारों को जो राष्ट्रीय शोक पर भी आतिशबाजी कर चौराहे पर खुशियां मनाते हैं। अगर श्यामगढ़ नगर में नगर हित की बात की जाए तो आप पागल हैं। अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो या तो आप श्यामगढ़ छोड़ दें या अपने मन में बदल लें, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि सीओमओ सुनता नहीं है, लोग उसकी सुनने नहीं देते हैं और नगर की जनता परेशान हो रही है। अगर किसी को बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के माफी है। 7 न्यूज के लिए राकेश राठौर की एक खास न्यूज।